हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कहां तक करवा दिया था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और मैंने आपको एडवाइस ये किया था कि आपको करना क्या चाहिए, हमेशा फॉर्मूले में आयोटा लिखे, पाई इज इक्वल टू आयोटा सी एस टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू एम। आयोटा लिखोगे तो उसके बारे में सोचोगे भी, और सोचोगे इसका मतलब कहीं कहीं से तो आयोटा पुट करोगे उसका, तो इसलिए फॉर्मूला जो है वो आयोटा विथ लिखना चाहिए आपको। नॉर्मल है, ग्लूकोज यूरिया आया तो आयोटा वन हो जाएगा। आपने सोच लिया ना कि ग्लूकोज यूरिया दे रखा है तो आयोटा वन है, आयोटा वन दे रखा है तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी बन जाएगा सीधा। आ रही बात समझ में? चलो आज अपन इसके लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक में अपन बात करें तो आज बात करेंगे ठोस की द्रव में विलयता और गैस की द्रव में विलयता की बात करें। ठोस की द्रव में विलयता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, समझिएगा बात को, समझिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, विलय कौन होगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब चैप्टर अपने स्टार्ट किया था, कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट की थी, जिसके जस्ट पीछे में लिखा हुआ होता है, जिसके जस्ट पीछे में लिखा हुआ होता है वो विलायक होता है, ठीक है। तो विलायक द्रव होगा, विलय कौन होगा? द्रव। विलय कौन होगा? ठोस। ये बात आई समझना, बोलो, ठीक है। सेकंड नंबर बात, ठोस का द्रव में विलयन जो होता है वो तीन टाइप से बनता है, कौन कौन से? पहला संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा असंतृप्त, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड। और तीसरा अति संतृप्त जिसे अपन बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड। कैसा बोलेंगे? सुपर सेचुरेटेड। ठोस का द्रव में जो विलयन होता है वो तीन टाइप का होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मान लो कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 100 ग्राम NaCl अधिकतम घोल सकते हो, उसके बाद वो नहीं घुलेगा। 1 लीटर जल लिया और उसमें 100 ग्राम से ज्यादा अगर NaCl नहीं घुलता है, तो जैसे मान लो ये आपको डेटा दे दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने बोला कि 1 लीटर जल में अधिकतम 100 ग्राम कौन घुल सकता है? NaCl, ठीक है, मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने कहा 1 लीटर पानी है इसमें NaCl घोलो और बताओ विलयन कैसा है। तो तुम लोगों ने क्या 100 ग्राम घोल दिया, तो जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना घोल दिया, तो उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम घोला, मतलब 100 घुलना चाहिए था, तुम लोगों ने 80 घोला, है ना, क्या घोला? 80 ग्राम। 80 ग्राम घोला तो इसका मतलब क्या, 20 ग्राम और घुल सकता था अभी। अगर कम घुला है और घुल सकता है तो उसे बोलेंगे असंतृप्त, अभी सेचुरेशन आया ही नहीं, और 120 ग्राम घोल दिया तो उसे क्या बोलेंगे? अति संतृप्त, सुपर सेचुरेटेड। अति संतृप्त विलयन में क्या होता है, 100 ग्राम तो घुल जाएगा और 20 ग्राम अवक्षेप के रूप में होगा, उसे बोलते हैं अपन अवक्षेपण आना, प्रेसिपिटेट आना। बात क्लियर सारी? थर्ड नंबर आते हैं अपन विलयता की परिभाषा क्या होगी यहां पे। थर्ड नंबर पॉइंट, विलयता की परिभाषा क्या होगी? दो डेफिनेशन है। फर्स्ट नंबर डेफिनेशन बात करते हैं, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को,
उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयता कहते हैं, जो अपन मेनली आयोनिक यौगिक में मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम में यही पढ़ते हैं डेफिनेशन, कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ये अपन क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। तो संतृप्त विलयन होना चाहिए, डिफाइन कहां पे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संतृप्त विलयन होना चाहिए। संतृप्त विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, या तो ये डेफिनेशन होगी या एक डेफिनेशन और हो सकती है, ये होगा तब तो यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगा, या एक डेफिनेशन ये 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की मात्रा जो संतृप्त विलयन का निर्माण करे, जो किसका निर्माण करे, संतृप्त विलयन का निर्माण करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की मात्रा जो संतृप्त विलयन का निर्माण करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की मात्रा जो संतृप्त विलयन का निर्माण करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेयता। ये हो जाएगा विलेय की मात्रा पर 100 ग्राम ऑफ विलायक। ये तो बात हो गई अपनी, विलेय कौन होता है, विलेय कौन होता है, विलेयता की परिभाषा क्या होती है और विलयन कितने टाइप का होता है। अब अपन बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, या अपन पहले बात करते हैं विलेयता की शर्त क्या है। विलेयता की शर्त क्या है, इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड डायरेक्ट ऐसे सोल्यूबल नहीं होगा, पहले उसे आयन में क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, और आयन में ब्रेक करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, जालक ऊर्जा देनी पड़ती है। फिर वो आयन जब जल में घुलते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज करते हैं, जल योजन ऊर्जा। तो विलेयता की शर्त यह है कि जल योजन ऊर्जा जो होनी चाहिए, जल योजन ऊर्जा जो होनी चाहिए वो जालक ऊर्जा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। ठीक है, बात पूछ लेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, पहला विलेय एवं विलाय की प्रकृति, विलेय एंड विलाय की प्रकृति। विलेय एवं विलाय की प्रकृति, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में ये दो आ रहे हैं, विलेय और विलाय की प्रकृति। देखो इसके लिए एक मैं वर्ड बता रहा हूं, ये ध्यान में रखे, लाई डिजोल्व लाई, इसका मतलब ये होता है समान समान को घोलता है, जिनका नेचर सेम होगा उसी में घुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आयनिक यौगिक जो होंगे, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं, विलयशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल बात है। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब सेम नेचर का यौगिक हो, सेम नेचर का सॉल्यूट हो, सेम नेचर के सॉल्वेंट में क्या होता है, डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व लाइक।
आयनिक यौगिक होगा, पोलर होता है आयनिक यौगिक, तो ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएगा, विलयशील, और अगर अध्रुवीय विलायक दिया तो विलय नहीं होगा। सेम टाइप से अगर सहसंयोजक यौगिक दिया, कैसा सॉलिड दिया, सहसंयोजक यौगिक, तो सहसंयोजक किसमें सोल्यूबल होगा, सहसंयोजक अगर होगा तो किसमें सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल इन अध्रुवीय नॉन पोलर में विलय होता है। ठीक है, बात सेकंड नंबर बात करते हैं टेम्परेचर, सेकंड नंबर फैक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान। दो बात समझो, टेम्परेचर कैसे देते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है वो ली सेटेलियर प्रिंसिपल, ला सेटेलियर के नियम के अनुसार दिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, ला सेटेलियर के नियम के अनुसार। बात समझ दे, अगर जैसे सपोज करो ये विलय है, इसको तुमने विलायक में बोला, तो मान लो विलयन बना, ये इस टाइप से ये बन गया साहब विलयन। ठीक है, अब यहां पे सॉल्युबिलिटी को मैं लिख रहा हूं एस से, तो लॉग 10 बेस पे एस टू अपॉन एस वन वो होगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, ये विलेयता का लिया है। अब इसके अंदर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, उष्मा सीपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 हुआ, इफ देन S2 इज लेस देन होगा S1। ठीक है, कैसे, T2 बड़ा है तो ये वाला डिफरेंस होगा वो तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब लॉग 1, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, इसका मतलब S2 इज लेस देन हो जाएगा S1। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, घटेगी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे चूने को अगर पानी में घोलते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, तो उसमें अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए ठंडे पानी में घोला जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया है, मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, तो उस कंडीशन में टी टू इज ग्रेटर देन टी वन होगा, देन एस टू इज ग्रेटर देन एस वन आएगा। इसका मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी या विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये अब टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। थर्ड नंबर बात करें प्रेशर का, अपन 9th-10th क्लास में ये पढ़ते हैं कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, या उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा कंटेनर में अगर गैस है तो उसको आप प्रेशर करके और एक छोटी सी बोतल में भी उस गैस को क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। तो इसका मतलब गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, जबकि लिक्विड एंड सॉलिड जो होते हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो मैं अगर प्रेशर लगाता हूं ठोस के ऊपर, तो ठोस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता, ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। दाब का प्रभाव नहीं होता है, ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, बात ये बात हो गई सारी, क्या, ठोस की द्रव में विलयता की, विलय कौन होगा, विलय कौन होगा, विलयन किस टाइप का बनेगा, विलयता कैसे डिफाइन होगी, विलयता की शर्त क्या है, और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गैस की द्रव में विलयता। गैस की द्रव में विलयता,
चलिए आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की द्रव में विलेयता, इसके ऊपर अपन को बात करनी है। देखो क्या है, पहला पॉइंट वही, विलेय कौन होगा, गैस, विलेय कौन होगा, द्रव, ठीक है बात, सुने बात को। जब अपन आइडियल गैस पढ़ेंगे, वैसे आइडिया होगा आपको, आइडियल गैस पढ़ेंगे तो उस समय एक बात बोलेंगे कि कोई गैस अगर आदर्श है तो ना तो उसका द्रवीकरण किया जा सकता है और ना वो किसी में घुलेगी लिक्विड में, ठीक है, इसका मतलब गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता। देखो अगर गैस द्रव में घुलेगी ना तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, तो वो फिर गैस रहे ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में कन्वर्ट होगी इसका मतलब क्या हुआ, गैस का द्रवीकरण हुआ, तो गैस का द्रवीकरण होगा अगर गैस घुलेगी तब, तो आदर्श गैस का कभी द्रवीकरण नहीं होता है, तो इसका मतलब वो बहुत कम घुलेगी। अगर कोई गैस घुल रही है पानी में, कोई गैस द्रव में घुल रही है, इसका मतलब उसका द्रवीकरण हो रहा है, द्रवीकरण हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर नॉन आइडियल कैरेक्टर अनादर्श गुण ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोल दूं कि गैस की द्रव में जो विलेयता होगी, गैस की द्रव में जो विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगी विलेयता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी नॉन आइडियल कैरेक्टर ऑफ द गैस। गैस का अनादर्श गुण की वजह से गैस के अनादर्श गुण की वजह से उगनी चाहिए, बोलो, गैस के अनादर्श गुण की वजह से ही वो विलय होगी। जितनी ज्यादा अनादर्श नेचर होगा उतनी विलयता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अपन को मेन ध्यान रखना है कि कोई भी गैस अगर द्रव में घुल रही है तो इसका मतलब उसका द्रवीकरण होगा, द्रवीकरण होगा इसका मतलब उसका अनादर्श गुण है। तो कोई गैस अगर द्रव में घुलती है उसकी विलयता जो होगी उसके अनादर्श गुण के सीधे क्या आएगी, समानुपाती आएगी, सीधे किसके समानुपाती आएगी, द्रवीकरण क्षमता के, लिक्विफेक्शन टेंडेंसी, इसके आएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, अपन उसके बारे में बात करें, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, समझिए बात को, समझना बात को। पहला कारक, पहला कारक विलेय एवं विलायक की प्रकृति, इसके लिए सेम वो ही रहेगा, इसके लिए सेम वो ही रहेगा, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को बोलेगा। इसका मतलब क्या, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायकों में जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलेयशील होती, पहली बात। अमोनिया और HCl गैस जो होती है, NH3 एंड HCl गैसें जल में अत्यधिक विलेयशील है,
अत्यधिक विलयशील है, उसका रीजन देखिए क्या होगा। एमएस3 जो है वो वाटर में जाएगा, तो ये वाटर के साथ बना लेता है NH4OH, और NH4OH जो होता है वो आयंस में ब्रेक होगा NH4+OH-, तो इसका मतलब अमोनिया जो है वो वाटर में आयन का फॉर्मेशन करता है NH4+ और OH-, इसलिए जल में विलयशील है। ठीक है, HCl जो है वो वाटर में किसका फॉर्मेशन करता है, आयंस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या है, अत्यधिक विलयशील है। ये अगर मैं बोलूं अमोनिया बेंजीन में विलयशील है, क्या नहीं है, क्यों, आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगी, पोलराइजेशन नहीं होगा उसका। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो ये रीजन हो जाएगा विलय एवं विलय की प्रकृति का। सेकेंड नंबर फैक्टर टेम्परेचर। तापमान का क्या होना चाहिए, देखिएगा, ये फिक्स फैक्टर है कि अगर कोई गैस लिया मैंने और उसको अगर लिक्विड में डिजोल्व किया तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, विलय बनेगा। कोई गैस लिया द्रव में तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, प्लस क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ये फिक्स है, इसका मतलब गैस का द्रव में विलयन हमेशा कैसा होता है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। कैसी रिएक्शन है, उष्मा सेपी मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। किसी गैस का द्रव में जो विलयन है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, बात बोलो, उष्मा सेपी अभिक्रिया है, तो सुनना बात को, किसी गैस का द्रव में विलयन अगर उष्मा सेपी अभिक्रिया है तो देखो, अब लगाओ वही फॉर्मूला, लॉग 10 बेस पे S2/S1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R1/T1 -1/T2। ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलयता क्या होगी, घटेगी। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विलयता क्या होती है, घटती है। सुनना बात को, तभी तो अपन कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ठंडी पियोगे तो टेम्परेचर होगा कम, टेम्परेचर कम होगा तो इसके अंदर गैस ज्यादा विलय होगी, ज्यादा विलय होगी तो अपन को लगेगा हाँ अपन ने कोल्ड ड्रिंक पियो, क्यों, अपन को CO2 गैस पीने की फीलिंग आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, वो अपन को क्यों लगता है कि कोल्ड ड्रिंक है, वो CO2 गैस की वजह से ही तो लगता है सॉफ्ट ड्रिंक में, अगर वो CO2 गैस होती नहीं तो अपन को नॉर्मल एक मीठे पानी की तरह ही तो लगता, कोई अच्छा टेस्ट आता ही नहीं। आ रही बात समझ में। सेकंड नंबर देखे, जितनी भी एक्वाटिक स्पीसीज होती है जलीय प्राणी जो होते हैं, जलीय स्पीसीज फील मोर कंफर्ट इन कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी में अधिक कंफर्ट फील करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, तो अपन सिंपल सा बोलेंगे, अगर कोल्ड वाटर होगा तो टेम्परेचर कम है तो उसमें गैस अधिक मात्रा में घुली हुई होगी, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन गैस अधिक मात्रा में घुली हुई है, एक्वाटिक स्पीसीज उसमें रह रही है, तो वो उस डिजोल्व ऑक्सीजन को, जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको श्वसन में प्रयोग करेगी तो वो एक सफिशियंट अमाउंट में मिलेगी तो उसको कंफर्ट फील होगा। ये अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो घुली हुई होगी वो कम होगी, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम होती जाएगी तो कंफर्ट फील थोड़ी करेगा। तुम लोगों को अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम कर दी जाए तो तुम लोग फड़फड़ाओगे नहीं क्या, यही तो बात होगी। तो सेम बात एक्वाटिक स्पीसीज के लिए भी, आ रही बात समझ में। चलिए, ये बात हो गया टेम्परेचर का। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर देखते हैं, प्रेशर का। प्रेशर का, दाब का, देखिएगा विलयता का मतलब क्या है, विलयता का मतलब क्या होता है, विलयता का मतलब होता है एक लीटर में कितने मोल है। ठीक है, पहले ये इतना था कंटेनर, 5 लीटर का कंटेनर था, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर का। ठीक है, और उसमें पूरी गैस यूं घुली हुई है तो 5 लीटर में एक ही मोल गैस है, मैंने उसको प्रेशर दबा के और गैस को कंप्रेस कर दिया।
अब 2 लीटर हो गया और उसमें 1 मोल घुल गई, तो पहले विलेयता आ रही थी 1/5, अब आ रही है 1/2, विलेयता बढ़ गई ना, तो प्रेशर लगाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, ये बात तो तय है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। किसी निश्चित विलायक में घुलने वाली गैस की मात्रा, घुलने वाली गैस की मात्रा विलयन के ऊपर आरोपित गैस के दाब के समानुपाती होती है, आरोपित गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी निश्चित विलायक में घुलने वाली गैस की मात्रा m, वो विलयन के ऊपर आरोपित गैस के दाब, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, kp, ये आ जाएगा। m और p में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, इधर अगर m माना जाए, इधर p माना जाए, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, m समानुपाती p के। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके, एक साइंटिस्ट था हेनरी, उसने अपना लॉ दे दिया, देखो क्या था हेनरी लॉ, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हेनरी ने क्या कहा, हेनरी लॉ, क्या कहता है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम देखो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस का द्रव पर आरोपित दाब, विलयन में द्रव पर आरोपित दाब गैस की मोल बिन के समानुपाती हो, इस नियम के अनुसार किसी गैस का द्रव पर आरोपित दाब जो होता है वो गैस की मोल बिन के समानुपाती होता है, ये P of the gas is directly proportional to X of the gas आएगा, P of the gas समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो KH आएगा, इस KH को ही अपन क्या बोलेंगे, इस KH को ही अपन क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक है, क्या है, हेनरी नियतांक है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो ये x तो कौन, x यूनिट लेस होता है, तो इसकी यूनिट होगी प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट होगी, इसका मतलब क्या है, यूनिट हो सकती है एटीएम हो सकती है या फिर बार हो सकती है, ठीक है ना, जो भी, या पास्कल हो सकता है, जो भी यूनिट हो, जो प्रेशर की यूनिट होगी वो की वो यूनिट किसकी होगी, केएच की यूनिट होगी। सुनना बात कुड़न से, अगर मैं इस पी गैस कॉन्स्टेंट तो KH बढ़ेगा तो X of the gas कम होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो जब KH बढ़ेगा तो X गैस कम हो जाएगा, X गैस कम हुआ इसका मतलब सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अरे बात समझ में, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर KH बढ़ेगा तो X गैस कम होगा, X गैस कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, विलेयता कम हो जाएगी, ये बात समझ में आ गई,
सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी क्वेश्चन बता देंगे, केस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ओवरऑल बात ये, एक तो बात ये ध्यान रखनी, ठीक है। मैं कुछ गैस के लिए केएच की वैल्यू बता रहा हूं, उनको ध्यान रखें, वैल्यू ऑफ केएच फॉर गैसेस, ऑर्डर बता रहा हूं, ठीक है, हीलियम N2 H2 O2 आर्गन CO2 एंड CH2, ये कुछ गैसें हैं, इनके लिए केएच की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, सॉरी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ही है, किसका ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये अगर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है तो ऐसे जाओगे तो केएच की वैल्यू क्या होगी, कम, इसका मतलब केएच की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी, हीलियम के लिए होगी, आ रही बात समझ में, बोलो, ये सॉल्युबिलिटी विलेयता का क्रम है, CH4 ज्यादा सॉल्युबल है इन सब गैसों में, आपने अगर आइडियल गैस में ऐसा पढ़ेंगे अपन H2, N2 और O2 को तो परमानेंट गैस बोलते हैं, परमानेंट गैस का मतलब स्थाई गैस होती है जिसका द्रवीकरण नहीं किया जा सकता, तो वो घुले भी की कम, ये देखो कम घुल रही, H2, N2, O2 कम ही घुल रही, ठीक है बात, चलो अब इसके ऊपर दो तीन न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन, फिर अपन इसकी लिमिटेशन वगैरह की भी बात करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर जैसे चार गैस हो A, B, C और D और इधर KH की वैल्यू दे रखी हो और ऐसे दे दे, जैसे 2×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पे दे दे 1.5×10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां पे दे दे 2.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बोले विलेयता का क्रम क्या होगा, विलेयता का क्रम क्या होगा, तो अपन को सीधा मालूम है कि सॉल्युबिलिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, KH के व्युत्क्रमानुपाती आएगी, तो सबसे पहले D, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद A, जिसका KH कम होगा उसकी विलेयता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, STP पर H2S गैस की जल में विलेयता 0.195 स्मॉल m है, तो H2S का KH ज्ञात करो, हेनरी कांस्टेंट ज्ञात करो, ये अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, देखो कैसे, मेरे को मालूम है कि प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो KH इनटू x ऑफ द गैस होगा, पहले x कैलकुलेट, चलो x कैलकुलेट करते हैं, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 ऑफ द x अपॉन 1 - x इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, m कितना दे रखा है 0.195, ये 1000x 1 - x और ये कितना हो जाएगा 80, यही बात होगी, बोलो, यहां से सॉल्व करके अपन x की वैल्यू लेके आ जाएंगे, यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू लेके आ जाएंगे, जो भी आएगी तुम लोगों को सॉल्व करनी है, ये NCERT का क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू आएगी तुम लोगों को सॉल्व करनी है, चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि 0.195 को फिर 18 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, और अगर तुम लोग 0.2 ले लेते हो तो फिर तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, एक्स लेके आ गए, फिर पी गैस कितना रखा 180 m, KH इंटू क्या रखोगे x ऑफ दी गैस, x गैस कैलकुलेट हो गया, तो KH इज इक्वल टू 1/x ऑफ दी गैस, ये तुम लोगों के पास पड़ा है x ऑफ दी गैस, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, KH की वैल्यू आ जाएगी, KH की
वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में? कर लोगे सॉल्व ये तो कि नहीं कर पाओगे? ठीक है चलो आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन देखो। देखो जैसे टू नाइनटी थ्री केल्विन पर एन टू के कितने मिलीमोल को एक लीटर जल में घोला जा सकता है? घोला जा सकता है यदि विलयन के ऊपर या विलयन के ऊपर N2 का दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर KH ऑफ N2 76.48 किलो बार है। लगाओ दिमाग अपना। ठीक है चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। इस क्वेश्चन को टैकल करना है तो सिंपल सा पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ दी गैस लगाएंगे। पी गैस कितना है? बार में। ये किलो बार में है तो यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये लो साफ कर दी, बार से बार हो गया कैंसिल। एक्स में इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही बात होगी। ठीक है सुने बात को, इसको इधर लेके आ जाओ। ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी लगभग लगभग 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। 13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 आएगी। एक बात सोचने वाली है कि ये वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है ना, ये वैल्यू इतनी कम आ रही है, सॉरी ये वैल्यू इतनी कम आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू तो बहुत कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू तो बहुत कम होगा, बोलो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत कम होगा तो N2 के मोल वाटर के मोल के कंपैरेटिव में क्या हो गया? नेग्लिजिबल। अगर नेग्लिजिबल हो गया, एक लीटर का मतलब मैंने पहले भी समझाया था वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो एक लीटर का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हो गया, 1000 ग्राम का मतलब हो गया ये लो, ये आ गया 13/18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, लगभग 0.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोल मिलीमोल चाहिए। ये आ गया N2 के मिलीमोल्स। बोलो ये N2 के क्या आ जाएंगे? मिलीमोल्स आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? ये N2 के क्या आ जाएंगे? मिलीमोल्स आ जाएंगे। ठीक है ये गैस की द्रव में विलयता के ऊपर मैंने आपको तीन प्रॉब्लम बता दिए। अब आपको क्या करना है, हेनरी लॉक्स की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। क्या? कि गैस का दाब बहुत अधिक नहीं हो, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस जो है वो द्रव के साथ रिएक्ट नहीं करे। ये तीन लिमिटेशन है, ध्यान रखनी। कभी कभार पूछ ले सीधा एग्जाम में क्या कौन कौन सी लिमिटेशन, तो आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्या, गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और तीसरा नंबर पॉइंट क्या, कि गैस द्रव के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करे। ठीक है अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन की। किसकी बात कर रहा हूं? एप्लीकेशन की। मैं नाम लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में से इनको पढ़ना है।
एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज, फर्स्ट CO2 गैस की सॉफ्ट ड्रिंक मींस कोल्ड ड्रिंक में विलेयता, इसको एक्सप्लेन किससे करते हैं? अपन हेनरी लॉ से। अगर अपन हाई प्रेशर रखेंगे तो CO2 अधिक घुलेगी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। यही कॉन्सेप्ट होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को उच्च दाब पर घुला जाता है तभी उसका टेस्ट आता है, ठीक है? क्योंकि उच्च दाब पर घुलोगे तो उसकी विलेयता अधिक होगी, विलेयता अधिक होगी इसका मतलब ज्यादा मात्रा में घुलिए, ज्यादा मात्रा में घुलिए तभी अपन को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहला। दूसरा, दूसरा क्या? दूसरा एक एनोक्सिया करके एक डिजीज है, एनोक्सिया करके एक डिजीज है। एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया पहाड़ी इलाके पे जो लोग रहते हैं, कहां पे? पहाड़ी इलाके पर जो लोग रहते हैं, तो पहाड़ी इलाके पे हो गया तो एल्टीट्यूड हाई हुआ, हुआ ना एल्टीट्यूड हाई, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता जाता है? कम। तो हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पर गैस का दाब कम होता है। अब गैस का दाब कम होगा तो जैसे मैंने ऑक्सीजन ली तो वो जब ब्लड में घुलेगी, जो वो ब्लड में घुलेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा वो कम होगा, और जब ब्लड जो है वो माइंड में सर्कुलेट होगा, माइंड को जब सप्लाई देता है उस कंडीशन में उसको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही। अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, ब्रेन को अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ब्रेन जो होता है वो अनडेवलप रह जाता है, या फिर ऐसे बोले लेस डेवलप होता है, अल्प विकसित होता है। उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। मतलब पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है वो कम डेवलपमेंट है, लेस डेवलप है, उसी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो एनोक्सिया क्या होता है, तो एनोक्सिया का रीजन क्या है? तो अपन सिंपल सा बोलेंगे एनोक्सिया का रीजन हेनरी लॉ से एक्सप्लेन होता है। कैसे? हाई एल्टीट्यूड पे जो होता है वो प्रेशर कम होता है गैस का, तो गैस जो होती है वो ब्लड के अंदर कम घुलेगी, ब्लड के अंदर अगर कम घुलेगी तो इसका मतलब ब्रेन को सप्लाई ऑक्सीजन की कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? बात थर्ड नंबर अपन बात करें बेंस। जितने भी गोताखोर होते हैं, जैसे स्कूबा डाइवर बोलते हैं जिनको अपन, जो समुद्र में डेप्थ में जाके क्या करते हैं? गोता लगाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उनको बोलते हैं गोताखोर, समुद्री गोताखोर बोलते हैं उनको, ठीक है? तो समुद्री गोताखोर करते क्या एक्चुअल में? जब वो डेप्थ में जाएगा तो क्या होगा? डेप्थ में जाने पर प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। एल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर कम होता है, तो डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब गैस अधिक घुलेगी ब्लड में। अगर ब्लड में अधिक घुलती है तो इसका मतलब अगर वो ब्लड में, अगर सपोज करो वो पीछे एक टैंक लेके जाता है, पीछे एक टैंक लटका के लेके जाता है, उसमें N2 और O2 रखता है। वो क्या रखता है? N2 और O2 रखता है, ठीक है? तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में घुल गई ब्लड में, इसका मतलब बॉटम पे गया। तो देखो ऊपर से नीचे जाने में, डेप्थ में जाने में जो होगा वो टाइम तो लगेगा ज्यादा, और एकदम जब सतह पर आएगा तो एकदम फटाफट ऐसे ऊपर आएगा, क्योंकि पानी नीचे से धक्का मारता है, एक बार धक्का मारेगा तो वो धक्का लगेगा तो ऊपर आ जाएगा। तो अब वापस ऊपर आती सरफेस पे प्रेशर क्या हो गया? कम। तो वो गैस वापस रिलीज होगी, गैस बुलबुलों के रूप में रिलीज होती है। डिस्कवरी चैनल देखते तो अपन मालूम है ना कि जब वो स्कूबा डाइवर नीचे से वापस ऊपर आता है तो बुलबुले रिलीज होते हैं, बबल्स बनते हैं, तो बबल्स के फॉर्मेट में रिलीज होती है। ये बबल्स जो होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। तो एक बीमारी पैदा हो जाती है, बेंड्स बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? बेंड्स। ये जितने भी मसल्स वगैरह में है तो बेंड डेवलप करती है, और बेंड ज्यादा मात्रा में अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो डेथ भी हो जाती है स्कूबा डाइवर की। अगर बेंड को अवॉइड करना है, तो ये जो N2 और O2 का मिक्सचर था इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा किसके साथ? हीलियम के साथ। किसके साथ डाइल्यूट करना पड़ेगा? हीलियम के साथ। तो स्कूबा डाइवर क्या करते हैं? N2, O2 और हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं जिसे। क्यों हीलियम क्यों लेके गए?
हीलियम की मालूम है ना N2 के सापेक्ष जो है वो विलेयता क्या है कम है, अभी लिखाया था नियो हीलियम की सबसे कम है, फिर N2 की है, फिर H2 की है, फिर O2 की है, तो N2 से तो कम रखनी है ना, बैंड किसकी वजह से बन रहे हैं N2 की अधिक विलेयता के कारण, तो उससे की जगह अपन ने क्या काम में ले लिया, साथ में हीलियम का मिक्सचर भी क्या कर लिया काम में ले लिया। बस ये आपको ध्यान रखना है, तीन एप्लीकेशन है कौन कौन सी, CO2 गैस के सॉफ्ट ड्रिंक में विलेयता, एनोक्सिया और थर्ड नंबर क्या बैंड्स। बात क्लियर सारी बोलो। तो अपन ने ये पूरे के पूरे सारे की सारी बात अपन ने कर ली, इनके बारे में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के जितने भी सारे फैक्टर थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया, चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेडॉक्स की। नेक्स्ट चैप्टर में किसकी बात करेंगे, रेडॉक्स। मैं रेडॉक्स स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं कि आपको कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर आने चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर आने जरूरी है। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर लेते हो तो रेडॉक्स बहुत आसान हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं इनऑर्गेनिक के अंदर आपने रेडॉक्स मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर पढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को अपन रेडॉक्स में काम में लेने वाले भी है, ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, बात यहां तक करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनिक विश्लेषण भी उसी में अपन करने वाले हैं। ठीक है, बात यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।